हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में पुलिस द्वारा क्राइम कंट्रोल करने के उनके संसाधनों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। डीजीपी ने खुद माना कि प्रदेश में पुलिस की भारी कमी है, लिहाजा 2023 में फिर से सिपाहियों की भर्ती की जाएगी जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। इसके अलावा अपराधों को रोकने के लिए बॉर्डर में सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये हमारे पास शॉर्टेज बहुत है, किसी किन्हीं कारणों से पिछले 6 साल से भर्ती नहीं हुई है। 2016 के बाद पुलिस में कोई भर्ती नहीं हुई है, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करके भी 2022 में लगभग 2000 लोगों की भर्तियां प्रचलित हैं, इनमें से 1521 कांस्टेबल लेवल के हैं, बाकी हैं। तो ये प्रोसेस पूरा होने के बाद भी हमें 2000 वैकेंसी रह जाएगी, तो हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जो एक कांस्टेबल की भर्ती हम 2023 में भी लेंगे, जिससे सर जब ये भर्तियाँ पूरी हो जाएंगी तब हमारी शॉर्टेज जो है कम। सर बॉर्डर पुलिस के बॉर्डर के मामले में हम हमेशा से सजग हैं और नेपाल सीमा पहले के अपेक्षा ज़्यादा संवेदनशील हो चुकी है, तो उसी तरह से हमने अपनी पुलिस को निर्देशित किया है और जो बेस्ट पॉसिबल है टेक्निकली एंड अदरवाइज वो सारे स्टेप्स उठाए।